Assalamu alaikum students. The topic of my presentation is diffusion. Movement of molecule from an area of higher concentration. Higher concentration to the lower concentration. ठीक है. For example, हमारे पास एक gut bacteria है और ये tissue है और ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है. ठीक है, लेट अस हम कोई भी मॉलिक्यूल रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बात की या हम CO2 की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं. ये टिश्यू सेल्स हैं, और ये ब्लड कैपिलरी है. अब फॉर एग्जांपल यहां पर न्यूट्रिशन की, CO2 की, ऑक्सीजन की यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है. ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं टिश्यू सेल्स में, ये ब्लड कैपिलरी है. अब यहां ज्यादा है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है. ये ब्लड कैपिलरी, यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. किसी भी मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत लेस है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से डिफ्यूजन इस तरह होगी. यहाँ से ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइयर है, यहाँ पर लोअर है, तो डिफ्यूजन जो है वो इस तरह होगी. तो हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये किसी भी मॉलिक्यूल की हो सकती है. मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं. गैशियस एक्सचेंज किस तरह होती है? गैशियस एक्सचेंज भी इसी तरह होती है ब्लड कैपिलरीज में. जैसे यहाँ पे CO2 जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, तो यहाँ भी डिफ्यूजन होती है. डिफ्यूजन जो है गैशियस एक्सचेंज में आ रही है, या न्यूट्रिएंट्स में भी डिफ्यूजन हो रही है, न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल्स हैं उसमें भी डिफ्यूजन हो रही है. तो डिफ्यूजन जो है वो इस तरह है. गिल्स एंड लंग्स एंड हैपेंस. ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ, यहाँ पर सबके कंफ्यूज ना हो, मैं उसको या किसी को ले लो. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन लिमिट टू द ब्लड कैपिलरी ऑफ फिलाई, इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है पैसिव ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल आपको, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, ल्यूमिन, ल्यूमिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये ल्यूमिन का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो है ना ब्लड कैपिलरीज जो है ना वो इस तरह सराउंड हुई हुई होती है. ठीक है, तो ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है C6H12O6, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये है विलाई, ठीक है, और ये जो है वो ब्लड कैपिलरीज हैं. तो अब इसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगी? कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, अच्छा एक चीज और, जो न्यूट्रिशनल मूवमेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल ब्लड कैपिलरी से ये विलाई है, आपको पता है जब स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन होती है वो इस रीजन में हो रही होती है. ये विलाई के पास यहाँ पर डिफरेंट न्यूट्रिशन जो है उनकी अब्जॉर्प्शन हो रही होती है. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, हम कहते हैं कि किसी भी मूवमेंट की, किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट है हायर से लोअर, हायर टू
लोअर, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लोअर टू हायर, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपने याद रखना है कि हायर कंसंट्रेशन से किसी भी मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो लोअर जा रही है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके स्टमक में जो इस विलाई रीजन में जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिशन जो है ना उनको रीअब्सॉर्प्शन होगी, और रीअब्सॉर्प्शन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ब्लड कैपिलरीज में आएगा, और ब्लड कैपिलरीज से जो है वो आपके वेन्स और वेन्स के साथ जो है ना वहाँ डिफरेंट वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, डिफ्यूजन होगी, डिफरेंट प्रोसेस के बाद जो है ये ब्लड आपकी वेन्स और वेन्स से जो है ना आपके हर्ट होते पूरी बॉडी में। तो ये जो वेलाई है इसमें जो न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है जहाँ पर विलाई के न्यूट्रिशन जो है इस विलाई रीजन में उस की रीअब्सॉर्प्शन हुई। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, या इसके अलावा ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल कुछ ये जो कॉमन है मॉलिक्यूल्स, तो ये न्यूट्रिशन है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से विलाई से ब्लड कैपिलरीज में जो है ना इनकी जो मूवमेंट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। सो ये प्रेजेंटेशन है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा किसी भी मॉलिक्यूल की हायर से लोअर कंसंट्रेशन है, ये डिफ्यूजन कहलाएगा, ये गिल्स और लंग्स में आपको बताया, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज से, और इसके बाद विलाई की आपको एग्जाम्पल दी कि न्यूट्रिशन की मूवमेंट जो है ना वो ब्लड कैपिलरीज में एक्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। And diffusion is also called passive transport. Yes, of course. Okay, thank you.